अभी मैं सुधांशु जी को बता रहे थे, अब ज्यादा हाथ ऊपर नहीं करना, आसमान हाथ में आ जाएगा आपका। तो ये मेरे कहने के तत्पर्य ये थे, लद्दाख से बढ़िया स्पेस रिसर्च कहां हो सकता है दुनिया में? इन्वायरमेंट स्टडी लद्दाख से अच्छा कहां हो सकता है? जियोलॉजी के इतना रिसोर्सफुल लद्दाख में है, ज्योग्राफी स्टडी लद्दाख से बेहतर कहां हो सकता है? कल्चरल स्टडी, फिलोसॉफिकल स्टडी, बुद्धिज्म स्टडी, टूरिज्म स्टडी, कुछ भी आप हाथ में उठाइए, ग्लेशियर स्टडी, इतने सारे नेचर ने हमें दिया है। कभी कभी तो लगता है लद्दाख में बैठ अगर कोई बैठे तो किताब की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ठीक तरह से समझ पाए तो देखो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, ये सारा हमें कुदरत ने दिया है। अब इस नेचुरल रिसोर्सेस को पहचानना, ये केवल लद्दाख वासियों का ही नहीं बल्कि देश के हर सिटीजन के, हर व्यक्ति के, हर लोगों की जिम्मेवारी बनता है। शाम को करेंगे उधर डांस, तो शाम को होगा। हाय हाय ये तू में दफा तो ने मगे।